नमस्कार, आईसीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं हूँ सोनल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हाल ही में बड़ौदा शहर के सयाजीबाग में चंदन के पेड़ की चोरी के मामले को लेकर बड़ौदा शहर महिला कांग्रेस प्रमुख हेमांगिनीबेन कोलेकर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया था। बड़ौदा शहर के सयाजीबाग में हाल ही में तस्करों ने चंदन के पेड़ की चोरी की थी। सिक्योरिटी होने के बावजूद चंदन के पेड़ की चोरी होने पर पालिका की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए थे। इससे पहले भी सयाजीबाग में कुत्तों ने छह हिरण को मार दिया था। सिक्योरिटी की लापरवाही से होती इस घटनाओं के विरोध में आज महिला कांग्रेस प्रमुख ने सिक्योरिटी एजेंसी से जुर्माना लेने की मांग करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया था। अगर पालिका सिक्योरिटी एजेंसी के पीछे इतने पैसे खर्च करती है तो सिक्योरिटी एजेंसी का दायित्व बनता है कि वह सुरक्षा प्रदान करे। अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो उन्हें जुर्माना लेकर ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए कठिन कदम उठाने चाहिए। 23 तारीख ना न्यूज पेपर में आयु तू के कमाटी बाग में चंदन नु लाकड़ू चोरायु छे। महानगरपालिका करोड़ों रुपया नी सिक्योरिटी ना पाछळ एटलो खर्चो करता होय, एजेंसी ने करोड़ों रुपया नी एटलो खर्चो करता होय तो चंदन नु लाकड़ू आ अगाउ पण एक वार अवी ज रीते ने चंदन ना लाकड़ा नी चोरी थई छे। अने एना पहला पण हमणा थोड़ा दिवस पहला कूतराए हरण ने मार्यु तू, એ સિક્યોરિટીની જ જવાબદારી હતી। આટલી બધી બેદરકારી સિક્યોરિટીની થાય છે તો અમારી માંગણી એવી છે કે એને આ અગાઉ 9 લાખ જેવો દંડ સિક્યોરિટીએ પાસેથી મહાનગરપાલિકાએ લીધો હતો, તો આ અગાઉ પણ હમણાં અમે એવું જ માંગણી કરીએ છીએ કે આટલી ચંદનના લાકડાની ચોરી થઈ છે એ મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ કહેવાય, ને એનો પણ દંડ વધારેમાં વધારે દંડ મહાનગરપાલિકા લે આ એજન્સી પાસેથી, એટલી અમારી માંગણી છે। बड़ौदा शहर के कामसा सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते कर्मचारियों के कई मुद्दों को लेकर आज शिवसेना ने कर्मचारियों को सहकार देते हुए विरोध प्रदर्शित किया था। एमजीवीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कामसा सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते कर्मचारियों को वेतन एवं पीएफ को लेकर काफी परेशानियां होती है। एजेंसी के द्वारा उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है और वेतन से भी कई तरह की कटौती की जाती है। साथ ही पीएफ के पैसों को लेकर भी कई सवाल सामने हैं, जैसे कि उन्हें पीएफ जानने के लिए दिया गया यूनिक कोड भी गलत दिया गया है, जिससे कर्मचारी ये भी नहीं जान सकते। इस बारे में कई बार कामसा सिक्योरिटी में और एमजीवीसीएल को भी सूचित किया गया है, फिर भी अभी तक कंपनी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। आज शहर के गोत्रे विस्तार में स्थित एमजीवीसीएल ऑफिस के बाहर शिवसेना को साथ रखकर विरोध प्रदर्शित किया गया था। आज कामसा सिक्योरिटी एजेंसी ना जे कर्मचारी होता जेनो कॉन्ट्रैक्ट हतो एमजीवीसीएल मां, જ્યારે એમનો કોન્ટ્રાક્ટ હતો ત્યારે એ લોકોને જે પીએફના નાણાં ચૂકવવાના હોય, એમનો જે પગાર હોય એ ટાઈમસર નહોતો થતો, પગાર થાય તો એમાંથી પણ પૈસા કાપીને આપતા હતા, એમને ઓવરટાઈમના પ્રોબ્લેમ કરતા હતા, એમના પીએફના નાણાં ટાઈમસર અને વ્યવસ્થિત જે એમને રજૂ કરવાના હોય એ નથી કરી રહ્યા, જમા નથી કરાવી રહ્યા, એમને યુનિક કોડ આપવામાં આવ્યો હતો જેથી એ લોકો એમની ઓટી કેટલી છે, એમનો પીએફ કેટલો છે એ બધું જાણી શકે, એ નંબર પણ એમને ખોટા આપ્યા। આ લોકોએ એની રજૂઆત કરી, શિવસેનાએ પણ આ સંદર્ભે એમના માટેની રજૂઆત કામસા સિક્યોરિટીવાલાને અને એમજીવીસીએલમાં કરી, તેમ છતાં આજ દિન સુધી એ લોકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નથી આવ્યું, જેના સંદર્ભે આજે અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન હતો। શિવસેનાનો એક જ માંગણી છે કે આ સિક્યોરિટી ગાર્ડ જ્યારે 12-12, 15-15 કલાક ખડા પગે એમની નોકરી કરતા હોય તો એમને એમનો હક મળવો જોઈએ, જો એમનો હક એમને તાત્કાલિક ધોરણે અને જલ્દીમાં જલ્દી નહીં મળે તો હવે ઉગ્ર આંદોલન શિવસેના દ્વારા કરવામાં આવશે। અમે બધા એક્સમેનો ભેગા થયા છીએ કમસા સિક્યુરિટીમાં નોકરી કરી 4 વર્ષથી, અગાવી 4 વર્ષથી અમોને હજુ સુધી પીએફ નંબર મળ્યા નથી, અને જો નંબર અમોને યુએના નંબર આપેલા છે એ પણ ગલત છે। આજે કાક છે છોટા ઉદેપુરથી આવેલા છીએ, અમે ડભોઈથી આવેલા છીએ, અમુક માણસો સિંગોરથી આવેલા છે, સેન્ટ્રલ લો બોડેલીથી આવેલા છે, બધા સેન્ટ્રલ એટલા માટે એકલા થયા છે, આજે ભેગા થયા છે કમસા સિક્યુરિટી માટે તો આગળ જીશું અમે। બડોદરા શહેરમાં વૈદિક શિક્ષણ પ્રણાલી કે તફાવત એવં પરિણામ કી જાણકારી કે લીએ શિબિર કા આયોજન કિયા ગયા થા। યહ શિબિર કા આયોજન શહેર કે વાઘોડિયા વિસ્તાર મેં સ્થિત દસાલાટ ભવન મેં કિયા ગયા થા। इस 2 दिवसीय शिविर में शाला के अध्यापक, शिक्षक एवं विद्यार्थी जुड़े थे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य वैदिक शिक्षण प्रणाली और मैकोले शिक्षण प्रणाली के परिणाम और तफावत के बारे में सभी को अवगत कराना था।
इस शिविर का बहुत ही अच्छा प्रतिभाव मिलने पर उनके द्वारा जल्द ही एक और शिविर आयोजित की जाएगी। दो दिन की जो शिविर हुई है उसमें जो मैकोले शिक्षण पत्र और वैदिक गुरु पर शिक्षण पत्र उसके बारे में जो उसके तफावत और उसके जो परिणाम है उसके बारे में शिविर थी, तो बहुत अच्छे लोगों का यहाँ पे प्रतिभाव रहा है। यहाँ पर कई स्कूलों के प्रिंसिपल, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर और कई संस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए, कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए और उन्हें उनके जो भी प्रश्न थे उसका भी उन्हें मार्गदर्शन मिला। और अभी उनकी एक मांग है कि अभी हम कब दूसरी शिविर करें, तो जो इसका भी जब समय आएगा तो हम उसके बारे में भी हम सभी को बताएंगे। और हमारी ऐसी इच्छा है कि जितने हो सके बड़ौदा शहर के जितने भी लोग हैं उन सभी को इस शिविर और इस विषय के ऊपर जो शिक्षण पद्धति है उसके ऊपर हमें जो भी क्रांति लानी है और वैदिक गुरुकुल शिक्षण पद्धति है उसकी हमें जो स्थापना करनी है, जिसकी वजह से एक सशक्त समाज बने, सशक्त व्यक्ति बने और सशक्त राष्ट्र बने, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। तो उसके लिए जितने भी हो सके उतने लोगों तक हम लोग जा सके इसके लिए दूसरी शिविर का आयोजन करेंगे और बहुत ही कम समय में उसके बारे में हम लोग सबको अवगत कराएंगे। भाजपा कॉरपोरेटर कल्पेश पटेल पर कई आरोप लगाते हुए आज बड़ौदा शहर 108 जनसेवा ग्रुप ने विरोध प्रदर्शित किया। 108 जनसेवा ग्रुप ने बीजेपी कॉरपोरेटर कल्पेश पटेल पर पानी एवं बिजली की चोरी के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक समा हाइट्स में लगवाई गई पानी की लाइन से पानी चोरी का मामला सामने आया था, जबकि यह लाइन कल्पेश पटेल ने डलवाई थी। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ और पूरा मामला इजारदार पर डाल दिया गया है। इस मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। आज 108 जनसेवा ग्रुप ने उन पर कई आरोप लगाते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन रूप विज्ञापन दिया था। आज रोज हम लोग कमिश्नर साहब श्री को आवेदन पत्र देने आए, क्योंकि आज देखा जाए तो समा हाइट के अंदर जो पानी की लाइन डलवाई गई है वो पानी की लाइन कल्पेश पटेल उठे जयरन छोड़ भाजपा के काउंसिलर ने डलवाई है, लेकिन तो भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हुए कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों ने मिल के इसको इजारदार के ऊपर डाल दिया। इजारदार को क्या जरूरत पड़ी कि वहाँ जाकर लाइन खोदेगा। आज कल्पेश पटेल ने पहले भी बिजली की चोरी की है, उसके बाद ये पानी की चोरी की है। मांझलपुर में उसका इतना खौफ है कि कभी भी गन निकाल कर फायरिंग करता है, लोगों पर फायरिंग किया हुआ है, उसके केस बने हुए हैं, दारू उसके गोडाउन से पकड़ा गया है, हर जगह उसका क्राइम दिखा जाता है, लेकिन तो भी भाजपा के बड़े उच्च नेता उसको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम चल रहा। लेकिन एक चीज़ है कि आज ये कॉरपोरेशन जनता के रुपये से चल रही है, अगर ये जनता के रुपये का पगार लेते हो आप लोग तो हमारा कमिश्नर श्री को एक ही चीज़ कहना है कि हमको न्याय दो। हमको न्याय देकर आप एक बात प्रजा के बीच में मालूम चल जाना चाहिए कि कॉरपोरेशन माले तू चार कॉरपोरेटर और भाजपा की नहीं है, आम जनता की है। धन्यवाद। बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स टीम एवं फेस स्कूल के द्वारा एवर 2018 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया है जिसमें टॉप 10 एवं 70% से अधिक परसेंटेज लाने वाले छात्रों को अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। 270 जितने छात्रों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में खास अतिथि के तौर पर राज्यसभा एडवोकेट मजीद मेमन, आईपीएस डॉक्टर अब्दुल कयूम फ्रॉम चंडीगढ़, खानकाए रिफाई साहजादाए मोइनुद्दीन कमालुद्दीन रफाई बाबा साहेब जी ने हाजिर रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया था। बड़ौदा की जो एनजीओज हैं उसमें से एक टीम है और एक और एनजीओ है जिसका नाम है फेस स्कूल। ये तीनों ने मिल के आज जो प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम का नाम है अवार्ड 18। वो प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th में 70% अप मार्क्स लाए उनको फेलिसिटेशन करने वाले हैं, उसकी हौसला बुलंदी हो, वो बच्चे आगे जाके और पढ़ें। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये इल्म सीखो और सिखाओ। तो हम तो पढ़ चुके हैं, समाज के मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, जो पढ़ नहीं पाते और जो पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको हम मदद करें और उनका हौसला आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ के बड़े से बड़े आदमी बन के समाज में अपना स्थान मुकाम करें। नंबर वन मकसद है।
नंबर टू ये कि हमने पहली बार ये एहसास किया कि भाई स्पोर्ट्स भी इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ, तो हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें उसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया है और स्पोर्ट्स में कुछ कैटेगरीज को इस बच्चों ने जो अचीवमेंट्स किए हैं उनको भी हम अवार्ड देने वाले हैं। तो आप सब भी दुआ करें कि हम जो कामयाबी लेके चले हुए जो हौसला लेके चले उसमें ऊपर वाला आपको कामयाबी जाहिर कर। बड़ौदा शहर के सेंट्रल जेल में रिश्तेदार से मिलने आए युवक का मोबाइल फोन एवं बैग लेकर एक अनजान शख्स फरार हुआ। बड़ौदा शहर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे अपने भाई को मिलने के लिए आए युवक को ठग कर उसका मोबाइल फोन और बैग लेकर एक शख्स फरार हुआ। प्राप्त माहिती के मुताबिक यह युवक अपने भाई को मिलने सेंट्रल जेल में आया था। वहां पर जमा कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवाने के लिए वह बाहर निकला था। वहां खड़े शख्स ने उसे रोककर बातचीत की थी और युवक को अपना बैग उसके पास छोड़कर अंदर जाने के लिए कहा था। युवक ने उस पर विश्वास कर अपना बैग और मोबाइल फोन उसे दिया था। वह शख्स बैग और मोबाइल फोन दोनों लेकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस प्रशासन कचहरी में ही चोरी की घटना से सुरक्षा पर कई सवाल उठे हैं। सर मैं भाई से मिलने आया था तो वो आदमी मेरे सुबह 5 बजे से मेरे साथ था। तो वो मैं इधर आया तो मैम से पूछा, मैम आ रही तो उनसे पूछा मैंने कि यहाँ मिलने का समय कितना है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए तो जैसे मैं बाहर फोटो कॉपी करवाने जा रहा था वो आदमी मेरे को मिला और उसने बोला कि तू कहाँ जा रहा है। मैंने बोला कि फ़ोटो कॉपी करवानी है। वो बोला तू इतनी जल्दी फ़ोटो कॉपी कहाँ से करवाएगा, शॉप तो 10 बजे खुलेगी। फिर बाद में क्या हुआ सर? वो आदमी मेरे को वहीं लेके गया था पास में थोड़ा, फिर उसने कहा कि अभी तो मेरे साथ रुक, 9 बजे तेरे डॉक्यूमेंट्स करवा के वहाँ साथ चलेंगे और ये भाई से मुलाकात करवा देंगे हम। सर मैं मेरा फ़ोन और मेरा बैग वो लेके भागा। बैग में 11,000 कैश थे और आईफोन था और कपड़े थे मेरे बैग में। जी बैग यहाँ था, उस आदमी के हाथ में था और मैं जब अंदर जा रहा था सर ने बोला तेरे पास कुछ है, मैंने बोला फ़ोन है, तो सर ने कहा ये फ़ोन बाहर रख। तो वो आदमी खड़ा था कि फ़ोन और मेरे को बैग तो उसी के पास पहले से था और फ़ोन भी मैंने उसी को दे दिया। आप वापस आए तो वो आदमी नहीं था। सर से मैंने पूछा वो आदमी कहाँ है तो सर ने मना कर, नहीं सर पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। नहीं सर सिविल ड्रेस में था, सिविल सादे ड्रेस में था। हाँ सादे ड्रेस में। आप पहचानते नहीं हो? नहीं सर। अरवल्ली जिला बाढ़ के देसाईपुरा कंपा से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शांतिपुरा कंपा में खेत मजदूरी करते 20 से 25 साल के युवा का शव आज सुजलाम सुफलाम कैनाल के पास से मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और जांच शुरू की गई थी। युवक के सिर पर किसी भारी पदार्थ से हमला कर उसकी हत्या की गई है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस जांच में उसके सिर पर गंभीर निशान पाए गए हैं। फिलहाल युवक के शव को बाढ़ पीएम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने सभी परिवारजन एवं आसपास के लोगों से बातचीत कर फिलहाल हत्या का कारण खोजने में जुट गई है। साबरकांठा जिला प्रातिज में तालुका केबल ऑपरेटरों के द्वारा ट्राई के द्वारा जारी किए गए कानून के विरोध में सांसद एवं प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र दिया गया। देश भर में ट्राई के कानून का केबल ऑपरेटर एवं एसोसिएशन द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत प्रातिज में प्रातिज तालुका एसोसिएशन द्वारा प्रातिज मार्केट यार्ड में साबरकांठा अरवली सांसद श्री दीपसिंह राठौड़ को आवेदन पत्र दिया गया था और साथ ही प्रांत अधिकारी को भी आवेदन पत्र दिया गया। जसदण में भाजपा के कुंवर जी बावड़िया ने बहुमत से जीत हासिल की है, जिसका जश्न गुजरात भर में मनाया जा रहा है। अरवल्ली जिला के मुड़ासा भाजपा के द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। जसदण में भाजपा की भव्य जीत का जश्न पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है, जिसके तहत अरवल्ली जिला के मुड़ासा में भी भाजपा ने आज पटाखे जलाकर जीत की खुशियां जताई थी। हर साल कांग्रेस पक्ष से अपनी उम्मीदवारी लड़ते कुंवर जी ने इस बार भाजपा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा देकर भाजपा में जुड़े थे और भाजपा की भव्य जीत हासिल हुई थी। भारतीय समाज सेवा संस्था और दवे एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया गया था। अहमदाबाद शहर के शाहपुरा दरवाजा विस्तार में रविवार को निशुल्क नेत्र जांच कैंप रखा गया था। काफी लोगों ने नेत्र जांच करवा कर लाभ उठाया, साथ ही संस्था के द्वारा चश्मे का वितरण भी किया गया था। यह संपूर्ण आयोजन में भारतीय समाज सेवा संस्था के सचिव श्री रिजवान आम्बलिया एवं सभी कार्यकर उपस्थित रहे थे।
जी जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है, मुफ्त में आँख चेकअप और मुफ्त में चश्मे दिए गए हैं। ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पांचवी सातवीं बार हो रहा है। अभी रिसेंटली आँख चेकअप, दांत चेकअप और बॉडी चेकअप का कार्यक्रम भी किया, गरीबों को कंबल भी वितरण किया गया। और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ की लोकल पब्लिक बहुत ही गरीब है, और जो आँख से लाचार है, जिनको मोतिया का ऑपरेशन करवाने का था, नंबर के चश्मे नहीं है, उनको भी हमने ये आज 200 से 250 आदमी की तादाद के अंदर लोग लेडीज आई। और ये कैंप सिर्फ खाली लेडीज़ के लिए ही रखा गया था, दवे एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, और भारतीय समाज सेवा संस्था उनकी सहयोगी संस्था थी, ये दोनों के लिए कार्यक्रम योजना में आया था। और हमारा भविष्य में ऐसा प्लान है कि जितने भी अहमदाबाद की सारी होटल है, वहाँ पर हम टाइप करेंगे कि आपका जो भी दोपहर का और शाम का खाना बचता है वो हमें दो, और हम जहाँ जहाँ फुटपाथ के ऊपर जो लोग सोते हैं, के जो गरीब इलाका है जहाँ पे खाना नहीं बनता, जो लोग भूखे सो जाते हैं, हमने सर्वे कर लिया है, हमारे पास लिस्ट भी रेडी है, तो हम वहाँ से लेकर हम गरीबों तक खाना पहुँचाएंगे, ये हमारा अगला कंसेप्ट है। इसी के साथ आईसीबी न्यूज में आज इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। जय हिंद।